फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आज हम लोग आ चुके हैं ज्योति स्वीट्स एंड नमकीन, और ज्यादा फेमस लैंडमार्क सामने ही बना हुआ है। ज्यादा आपको दिखाने की लोकेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बना हुआ है संगीत टॉकीज, और संगीत टॉकीज से जैसे ही थोड़ा अपोजिट देखेंगे आपको शॉप मिलेगी। तो चलिए गए चलते शॉप पे और बात करते हैं यहाँ के ओनर के पास, और बात करते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या और आज हमें क्या ट्राई करने को मिलेगा। मटका और मटके में अंदर कुल्फी वगैरह पैक है, तो दिखाते हैं एक बार आपको ढक्कन ओपन करवा के। ये देखिए कुल्फियाँ पड़ी हुई हैं अंदर, बहुत ज़बरदस्त फालूदा वगैरह। मटका हिला हिला के पूरी कुल्फियाँ इन्होंने जमा दी हैं। तो चलिए लगवाते हैं अपना एक फालूदा हम। सो गाइस चलिए फाइनली आ गए शॉप के अंदर। तो भैया से करते बात। तो भैया वैसे आपका नाम क्या है? योगेश नताने। और ये बताइए कितने सालों से लोगों को खिला पिला रहे हैं, अपनी शॉप का मजा दिला रहे हैं? यहाँ 25 साल हो गए। 25 सालों से मतलब लोगों को मजा दे रहे हैं आप, मिठाई वगैरह और क्या क्या है वैसे आपके पास? सर फ्यूज से सारी फालूदा कुल्फी है, शाही मिल्क बादाम है। और टाइमिंग क्या वैसे आपकी शॉप की? टाइमिंग सुबह 7:30 से रात 11 बजे तक। 11 बजे जी सर। तो ये बताइए आज मुझे क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप खिलाने के? सर आप फालूदा कुल्फी खाइए या मिल्क बादाम पीजिए। तो ये फालूदा कुल्फी का प्राइस क्या है, मिल्क वाले शेक का? सर मिल्क शेक 30 रुपीज़ का है। हाँ। फालूदा कुल्फी 60 रुपीज़ की फुल है और 30 रुपीज़ की हाफ है। मतलब एक आदमी की लेना पे था हाफ हाफ, तो लोगों का तो 60। जी सर। तो भाई गर्मियां आ गई हैं, तो जैसे कि गर्मियों में ट्रेंडिंग में चलती हैं फालूदा कुल्फी वगैरह और मिल्क शेक वगैरह। तो मिल्क शेक की बोतल इनकी फ्रिज में लगी हुई है, दिखाते हैं आपको और उसके बाद चलते हैं अपनी फालूदा कुल्फी बनवाते हैं, लेते हैं, ट्राई करते हैं, फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। तो पहले दिखाते हैं आपको इनकी जो बोतल रखी हुई है। तो ये देखिए मिल्क शेक सजा के रखे गए हैं फ्रिज के अंदर। तो पहले चलते हैं, पहले लेते हैं अपना फालूदा कुल्फी, उसके बाद ट्राई करेंगे आके मिल्क शेक अपना हम लोग। सो गाइस चलिए आ रहे हैं मटका से बाहर अपनी कुल्फी और लगवाते हैं फालूदा। तो ये आ गई कुल्फी वाली डिब्बी बाहर, और ये पानी में रखी जा रही थोड़ी देर की, बाहर आ जाए भाई गल जाए थोड़ी साइड से। और ये आ गई डिब्बी का ढक्कन ओपन हो रहा है, और ये घुसा दी गई चक्कूस पे। वाह भाई ये 20 से गई और ये आ गई कुल्फी अपनी बाहर। साइज देखिए कुल्फी कितना जबरदस्त है। तो भाई अभी कट करी जा रही 20 से, 1, 2, 3, 4 पीस कट हो रहे हैं, कितने कितने होंगे पता नहीं। और अब आ रहा है ये, इसमें फालूदा ऐड किया जा रहा है। और ये बर्फ है जो क्रश करी जा रही है, क्रश करने के बाद डाली जाएगी उस पर। और ये आ गई बर्फ। और ये आ रहा ऊपर से रूह अफ़ज़ा है। तो फाइनली फालूदा हो चुका है रेडी अपना, और ये आ गया स्पून। तो चलिए भाई रेडी हो चुका अपना फालूदा कुल्फी, लेते हैं ट्राई करते हैं फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइज आ चुका फाइनली अपना कुल्फी फालूदा रेडी होकर के, और ऊपर से काफ़ी अच्छे से बर्फ क्रश करके डाली गई है। तो चलिए ट्राई करते हैं, पहले कुल्फी का टेस्ट लेते हैं, और ऊपर से रूह अफ़ज़ा ऐड किया गया तो थोड़ा थोड़ा मीठापन आने वाला है। और एक बार मिक्स करके खाते हैं हर एक चीज़ को, मस्त है भाई। कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, और काफ़ी अच्छे से फ्रिज हो चुकी है क्योंकि मटके को काफ़ी देर तक खिलाया जाता है। तो कुल्फी बिल्कुल टाइट है और धीरे धीरे मेल्ट हो रही, तो मेल्ट होने के बाद थोड़ा और मज़ा आती खाने में लोगों को। और जैसे ऊपर से फालूदा ऐड किया गया है उस पर रूह अफ़ज़ा डालने की वजह से हल्का हल्का मीठा बना रहा है। तो चलिए गाइस फिनिश करते हैं अपनी कुल्फी। वाकई कुल्फी इनकी बहुत अच्छी लग रही है फालूदा के साथ ऐड करके, मज़ा आ गई। और इसके बाद लेते हैं अपना मिल्क शेक फ्रिज से निकलवा के, और फिर उसका भी टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस फाइनली फिनिश हो चुका अपना कुल्फी फालूदा, अब लेते हैं मिल्क शेक की बोतल। शेक करके दी जा रही है और ये आ गई ओपन होके। चलिए ट्राई करते हैं, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। ये देखिए अंदर की बोतल देख रहे हैं ना, हिल नहीं रही ज़्यादा। ट्राई करते हैं इसका, और बादाम काफ़ी अच्छे से ऐड है। मतलब मिल्क को जब आप पियेंगे तो चबाना पड़ रहा है, ऐसा टेस्ट आ रहा है इसमें।
मजा आई फ्लेवर लेने में इसका भी। तो चलिए फिनिश करते हैं, और बिल्कुल गाढ़ा है, पिस्ता और बादाम वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे से ऐड करिए क्वांटिटी, मतलब मिल्क पीने के बाद आपको पता चल रहा है कि हाँ इसमें पिस्ता और बादाम वगैरह काफ़ी अच्छे से ऐड किया गया। तो ठीक है फिनिश करते हैं अगली बोतल भी अपनी हम लोग। गाइस फाइनली ज्योति स्वीट्स एंड नमकीन की हम लोगों ने कुल्फी फालूदा ट्राई करी है और मिल्क शेक ट्राई किया, तो टेस्ट यूनिक मिला। आप भी ट्राई करिए, और मिल्क काफ़ी गाढ़ा था। तो आज का फैम आशीष शॉर्ट आउट जाता है निखिल चौरसिया भाई को, क्योंकि उन्होंने यहाँ के दो तीन कमेंट दिए हुए थे। तो आप भी फैम आशीष के साथ जुड़िए और कमेंट करते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही एक बजे वीडियो सबसे पहले आप देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट व्लॉग में।